नमस्कार, आज हम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान के पाठ 7 पी ब्लॉक के तत्व का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्ववर्ती भागों में हमने वर्ग संख्या 15, 16, 17 का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम हमारी चर्चा वर्ग संख्या 18 नोबल गैस परिवार, जिन्हें उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है, उनसे प्रारंभ करेंगे। आइए चर्चा शुरू करें। वर्ग 18 के तत्व। वर्ग 18 के तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन तथा ऑगनेसन हैं। ये सभी गैस अवस्था में उपस्थित होते हैं। ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं तथा सामान्यतः किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया नहीं करते हैं तथा स्वयं के साथ में भी कोई क्रिया नहीं करते हैं। ये बहुत कम यौगिक बनाते हैं, जिस कारण से इन्हें उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसेस भी कहा जाता है। उपलब्धता। रेडॉन तथा ऑगनेसन के अतिरिक्त अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। हीलियम तथा नियॉन रेडियोधर्मी खनिज जैसे पिच ब्लेंड, मोनेजाइट, क्लीवाइट आदि में पाए जाते हैं। हीलियम का मुख्य औद्योगिक स्रोत प्राकृतिक गैस है। रेडियम के देखिए विघटन से हमें रेडॉन प्राप्त होता है। सीएफ के विघटन से हमें ऑगनेसन प्राप्त होता है। ऑगनेसन जो एक रेडियो एक्टिव तत्व है, जिसकी अर्धायु लगभग 7 मिलीसेकंड ही है, जिस कारण इसका रसायन विज्ञान अभी इतना हमें ज्ञात नहीं है। इसका संकेत ओजी, परमाणु संख्या 118, परमाणु द्रव्यमान 294 तथा इलेक्ट्रॉनीय विन्यास RN 5F14, 6D10, 7S2, 7P6 होता है। वर्ग 18 के तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अर्थात इनका अष्टक पूर्ण होता है। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों का वितरण NS2, NP6 प्रकार से होता है। 2 इलेक्ट्रॉन S कक्षक में तथा 6 इलेक्ट्रॉन P कक्षक में उपस्थित होते हैं। हीलियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 1s2 होता है। हीलियम में कोई भी पी कक्षक उपस्थित नहीं होता है। परमाणु त्रिज्या। किसी भी आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार में कमी आती है, लेकिन हम देखते हैं कि अक्रिय गैसों का आकार वहां पर सबसे बड़ा होता है। वह किस लिए? वह इसलिए होता है क्योंकि अक्रिय गैसों के संदर्भ में हम वंडरवाल त्रिज्याओं की गणना करते हैं। अक्रिय गैसें किसी से बंध नहीं बनाती हैं, इसलिए वंडरवाल त्रिज्याओं की मान सर्वाधिक होते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्याएं बढ़ती हैं, जिस कारण आकार बढ़ता है। आयनन एंथैल्पी। स्थायी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी का मान बहुत अधिक होता है। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास सबसे स्थायी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है। परमाणवीय आकार में वृद्धि के कारण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता चला जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होने के कारण इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नहीं होती है, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है। अतः इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त होने के स्थान पर हमें इन्हें ऊर्जा देनी पड़ती है। भौतिक गुण। सभी उत्कृष्ट गैसें एक परमाणवीय है, अर्थात यह आणविक अवस्था में नहीं मिलती है, ये हमेशा परमाणवीय अवस्था में ही उपस्थित होती है। ये रंगहीन, गंधहीन, जल में अल्पविलेय तथा स्वादहीन होती है। इनके गलनांक तथा क्वथनांक बहुत कम होते हैं। हीलियम, जिसका क्वथनांक 4.2 केल्विन होता है, सबसे कम क्वथनांक वाला तत्व हीलियम है। हीलियम का आकार बहुत छोटा होता है, जिस कारण से यह आसानी से रबर, कांच, प्लास्टिक आदि के बर्तनों में से विसरित होकर के बाहर निकल जाता है।
हीलियम को स्टोर करना सबसे मुश्किल काम हमारे सामने है, क्योंकि छोटे आकार की वजह से ये आसानी से विसरित हो जाता है। रासायनिक गुण, उत्कृष्ट गैसें सबसे कम क्रियाशील होती है, सामान्यतः ये कोई क्रिया दर्शाती ही नहीं है। इनकी रासायनिक अक्रियता के निम्नलिखित कारण हैं। उत्कृष्ट गैसों के सजगता कोष का पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होना, NS2NP6 यानी अष्टक का पूर्ण होना, वह इन्हें अक्रिय बनाता है। इनकी आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ज़्यादा होता है तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अत्यधिक धनात्मक होता है, जिस कारण से भी ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। मार्च 1962 में नील बर्टलेट ने एक लाल रंग के यौगिक O2+PtF6- निर्मित किया था। ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान 1175 किलो जूल प्रति मोल होता है, जबकि जिनॉन की भी आयनन एंथैल्पी का मान 1170 किलो जूल प्रति मोल होता है। तब इन्होंने सोचा कि यदि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा सकता है तो जिनॉन से भी इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों की आयनन एंथैल्पी का मान लगभग समान है। इन्होंने जिनॉन के यौगिक का बनाने का प्रयास किया तथा जिनॉन की क्रिया PtF6 से करवाई, जिससे कि एक लाल रंग के पदार्थ का प्राप्त हुआ। एक लाल रंग का पदार्थ हमें प्राप्त हुआ जो Xc+PtF6- था। ये प्रथम यौगिक है जो हमें अक्रिय गैस का प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात अक्रिय गैसों के बहुत से यौगिक बनाने में सफलताएं प्राप्त कर ली गई हैं। सर्वाधिक यौगिक जिनॉन के हैं तथा कुछ यौगिक क्रिप्टॉन के भी ज्ञात हैं। इन यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है? देखिए, यदि जिनॉन के आधिक्य में फ्लोरीन की क्रिया करवाई जाए तो XCF2 बनता है, जिनॉन डाईफ्लोराइड। यदि यह अभिक्रिया 1:5 के अनुपात में करवाई जाए तो हमें XCF4 प्राप्त होता है, यहाँ फ्लोरीन आधिक्य में है। यदि यही अभिक्रिया हम 1:20 के अनुपात में करवाएं, जहाँ फ्लोरीन बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित हो, तब फ्लोरीन का हमें क्या बनता है? XCF6 प्राप्त होगा, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम XCF4 की क्रिया O2F2 से करवा दें, जिससे कि हमें जिनॉन हेक्साफ्लोराइड प्राप्त हो सकता है। ये सभी रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं जो प्रबल फ्लोरिनेटिंग एजेंट के रूप में काम में करते हैं। अर्थात यदि हमें किसी भी यौगिक में फ्लोरीन का प्रवेश करवाना हो तो उसकी क्रिया हम इनके साथ आसानी से करवा सकते हैं। ये सभी पदार्थ आसानी से जल अपघटित भी हो जाते हैं। XCF2 के जल अपघटन से XC बनता है तथा HF प्राप्त होगा, वह ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार XCF4 के जल अपघटन से XC व XCO3 बनता है। XCF6 के जल अपघटन से हमें XCO3 प्राप्त होता है। XCF6 के आंशिक जल अपघटन से XCOF4 बनता है तथा XCF6 का जल अपघटन यदि जल के दो अणुओं के साथ में करवाया जाए तो देखिए XCO2F2 बनता है। इन अभिक्रियाओं को याद रखने का सबसे अच्छा क्रम क्या है कि देखिए XCF2 की क्रिया हम लोग जल के एक अणु से करवा रहे हैं, तो जो उत्पाद हमारे पास बन रहा है उसमें भी ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही परमाणु उपस्थित है। यदि XCF6 की क्रिया हम जल के दो अणुओं से करवाएं तो जो उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है उसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु उपस्थित है। इसी प्रकार से यहाँ इस अभिक्रिया में देखिए XCF6 जल के तीन अणुओं से क्रिया कर रहा है, तो जो उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है उसमें ऑक्सीजन के तीन परमाणु उपस्थित हैं। इस विधि से हम आसानी से इन अभिक्रियाओं को याद रख सकते हैं। जिनॉन फ्लोराइड, फ्लोराइड आयन ग्राही से अभिक्रिया कर धनायन स्पीशीज तथा फ्लोराइड आयन दाता से अभिक्रिया करके फ्लोरो रणायन बनाते हैं। देखिए क्या हो रहा है, XCF2 है, PF5 से अभिक्रिया करेगा, क्या बना रहा है? XCF+ तथा PF6-। इसी प्रकार XCF4 SBF5 से
रिएक्शन कर रहा है, क्या बनाएगा? Xc F3+ तथा Sb F6-। Xc F6+ MF क्रिया करके क्या बना रहे हैं? M+ Xc F7-। हिंदी में एक कहावत है, जैसा कि हमने सुना है, कि गरीब और गरीब हो जाता है तथा अमीर और अमीर हो जाता है। वह कहावत इन रासायनिक अभिक्रियाओं पर बिल्कुल चरितार्थ हो सकती है। कैसे? देखिए, हम पहले उदाहरण से समझते हैं। पहले वाले उदाहरण में देखिए, जिनोन के पास दो हैलोजन है, यानी दो फ्लोरीन है, तथा यहाँ फास्फोरस के पास 5 फ्लोरीन है। अतः फास्फोरस, जो फ्लोरीन जहाँ पर आधिक्य में उपस्थित है, वहाँ और फ्लोरीन चला जाएगा। तभी हमें उत्पाद क्या प्राप्त हो रहा है? Pf6- बन गया है, और XcF2 किस में बदल गया? XcF में बदल गया। इसी तरह से दूसरे में देखिए, किसके पास फ्लोरीन परमाणु कम है? जिनोन के पास कम है, एंटीमनी के पास, एंटीमनी के पास में ज़्यादा है। इसलिए फ्लोरीन, एक फ्लोरीन जिनोन से एंटीमनी के पास चला जाता है। XcF6+ MF, यहाँ जिनोन के पास में 6 फ्लोरीन है तथा यहाँ धातु के पास में 1 फ्लोरीन है, तो धातु से फ्लोरीन निकल के जिनोन के पास में चला जाता है। देखिए कैसे हुआ, गरीब और गरीब हो गया तथा अमीर और अमीर हो गया। इससे हम इस अभिक्रिया को आसानी से याद रख सकते हैं। XCO3 एक रंगहीन विस्फोटक ठोस पदार्थ है। इसकी संरचना पिरामिड जैसी होती है। XCOF4 एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है, जिसकी संरचना वर्ग समतलीय होती है। ये देखिए XCF2 की संरचना है, ये रेखीय संरचना है। जिनोन है, दो बंद बना रखे हैं तथा जिनोन पर 3 एकाकी इलेक्ट्रोनिगम उपस्थित है। यह संरचना है XCF4 का। जिनोन ने 4 बंद बनाए हुए हैं तथा जिनोन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रोनिगम उपस्थित है। यह संरचना हमारे पास कैसी है? वर्ग समतलीय। इसी प्रकार से देखिए संरचना XCF6, यहाँ जिनोन ने 6 फ्लोरीन के साथ में बंद बना रखे हैं तथा जिनोन के पास 1 एकाकी इलेक्ट्रोनिगम उपस्थित है। इसी प्रकार हमारे पास ये संरचना है XCOF4 तथा ये संरचना है XCO3 की। इन सभी में जिनोन के पास 1-1 इलेक्ट्रोनिगम, एकाकी इलेक्ट्रोनिगम उपस्थित होता है। अक्रिय गैसों का उपयोग। हीलियम अज्वलनशील तथा हल्की गैस है, इसलिए इसका उपयोग मौसम प्रेक्षण के लिए गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग गैस शीतित नाभिकीय रिएक्टरों में भी किया जाता है। हीलियम का कथनांक सबसे कम होता है, जिसका मान लगभग 4.2 केल्विन होता है। द्रव हीलियम को निम्न ताप पर संचालित प्रयोगों के लिए निम्न तापी कारक के रूप में भी किया जाता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट जो बहुत कम ताप पर होते हैं, वहां ताप का नियंत्रण करने के लिए द्रव हीलियम का उपयोग किया जाता है। द्रव हीलियम का उपयोग अति चालक चुंबक को उत्पन्न करने तथा कायम रखने के लिए किया जाता है। ऐसी मैग्नेट बनाई जाती है जो सुपर कंडक्टर होती है, जो कि NMR स्पेक्ट्रोमीटर अर्थात न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर में उपयोग में आती है। इस चुंबक का उपयोग चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में काम आती है, वहां पर भी किया जाता है। गोताखोरी के उपकरणों में यह ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में उपयोग आती है। जो सी डाइवर्स होते हैं, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। उस ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस भी भरी होती है, क्योंकि हीलियम गैस भर देने से इसकी रक्त में विलेयता बहुत कम होती है। जब स्कूबा डाइवर्स जल से बाहर आते हैं, तो उनके शरीर में किसी भी प्रकार की ऐठन न पड़े, उससे बचाने के लिए यह किया जाता है। नियोन का उपयोग विसर्जन ट्यूब तथा प्रदीप्त बल्बों में विज्ञापन प्रदर्शन करने हेतु किया जाता है। नियोन बल्बों का उपयोग वनस्पति उद्यान तथा ग्रीन हाउस में किया जाता है। आर्गन का उपयोग उच्च ताप धातुकर्मीय प्रक्रमों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है,
जहाँ पर हमें दो धातुओं को जोड़ करके उनकी वेल्डिंग करनी होती है, वहाँ अक्रिय वातावरण बनाने के लिए इस गैस का उपयोग करते हैं। आर्गन गैस का उपयोग बल्ब में भरने के लिए भी किया जाता है। जिनॉन तथा क्रिप्टॉन का उपयोग विशेष प्रकार के बल्बों में किया जाता है। अभी तक हमने वर्ग 18 के तत्वों के बारे में अध्ययन किया है। इस पाठ के अलग अलग भाग में हम वर्ग संख्या 15 से लेके 18 तक के सभी तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं तथा हमने इनके कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का भी अध्ययन किया है। अब हम चर्चा करेंगे कि इस पाठ के अलग अलग बिंदुओं को हम एक ही प्रकार से या एक सारांश के रूप में कैसे समझें तथा कैसे ये हमें आसानी से याद हो जाए, जिससे कि इनका प्रश्न का उत्तर लिख पाएं। आइए हम उस सारांश के बारे में अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं तथा उन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारी परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मदद करेंगे। पी ब्लॉक के तत्व, एक सारांश के तौर पर हम इन्हें किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? देखिए, ये हमारी आवर्त सारणी का भाग है, पी ब्लॉक। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक तत्व वर्ग संख्या 13 से 18 तक उपस्थित है। प्रथम आवर्त में हमारे पास हीलियम उपस्थित होता है। द्वितीय आवर्त हमारे पास बोरॉन से नियोन तक। तृतीय आवर्त हमारे पास कहाँ से है? एल्युमिनियम से आर्गन तक। इसी प्रकार से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ आवर्त हमारे पास होते हैं। अब यहाँ पर एक विकीर्ण बना हुआ है। इस विकीर्ण के ऊपर जो भी तत्व आ रहे हैं उन्हें हम उपधातु के नाम से जानते हैं, अर्थात पी ब्लॉक में हमारे पास धातु, उपधातु तथा अधातु तीनों ही उपस्थित होते हैं। इस विकीर्ण के बाई ओर वाले तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं तथा विकीर्ण के दाई ओर वाले तत्व अधात्विक प्रकृति के होते हैं। हमारे पास में आयोडीन जो एक चमक देता है, एक धात्विक चमक जैसा हमें लगता है, लेकिन वास्तव में वह कैसा है? वह अधातु है। ब्रोमीन जो किस अवस्था में हमें मिलता है? द्रव अवस्था में मिलता है। गैलियम गर्मियों के दिनों में सामान्यतः कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में उपस्थित होता है। नीचे वाले तत्व हमारे कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। पी ब्लॉक हमारा ऐसा आवर्त सारणी का भाग है जिसमें ठोस, द्रव तथा गैस सभी उपस्थित होते हैं। वर्ग 18 हमारे पास ऐसा वर्ग है जिसके सभी तत्व किस प्रकृति के होते हैं? वो गैसीय प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा हमारे पास पी ब्लॉक में और गैस कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है तथा नाइट्रोजन है। ये पी ब्लॉक में उपस्थित हमारे पास गैसें हैं। द्रव अवस्था में कौन है? ब्रोमीन द्रव अवस्था में है तथा गैलियम जो गर्मियों के दिनों में द्रव अवस्था में हमें मिलता है। देखिए, वर्ग संख्या 13 जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP1 होता है, वह बोरोन परिवार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 तथा अन्य ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। इसी प्रकार वर्ग संख्या 14 जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP2 होता है, जिसे कार्बन परिवार के नाम से जानते हैं, इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +4 तथा अन्य अवस्थाएं +2 व -4 होती है। वर्ग संख्या 15 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP3 होता है, यह अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अतः इसमें से इलेक्ट्रॉन को जोड़ना तथा इलेक्ट्रॉन को निकालना दोनों ही कठिन कार्य है। इस वर्ग को निकोजन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है तथा अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं +3 व -3 होती है। इसी प्रकार वर्ग संख्या 16 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP4 होता है, इन्हें चेल्कोजन के नाम से जाना जाता है या ऑक्सीजन परिवार भी कह सकते हैं। इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है, अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं इसकी +4, +2, -4 भी होती है। वर्ग 17 जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP5 होता है, इस वर्ग का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अर्थात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान अति उच्च होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अक्रिय गैसों के समान इलेक्ट्रॉनीय विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। इसे हेलोजन परिवार भी कहा जाता है। यह +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं।
यहाँ पर सिर्फ फ्लोरीन ऐसा है जो -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाता है। जबकि इनके तत्व अन्य तत्व -1, +1, +3, +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शा सकते हैं। वर्ग 18 के तत्व जो सर्वाधिक स्थायी हैं तथा रासायनिक रूप से अक्रियाशील हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 होता है। हीलियम का विन्यास सिर्फ 1s2 होता है। इन्हें नॉर्मल गैस फैमिली या उत्कृष्ट गैस परिवार भी कहते हैं। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +8 तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह +2, +4 व +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। अभी हाल ही के दिनों में कुछ नए तत्वों की भी खोज हुई है जिन्हें आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है, जैसे वर्ग 13 में निहोनियम, वर्ग 14 में फ्लेरोवियम, वर्ग 15 में मॉस्कोवियम, वर्ग 16 में लिवरमोरियम, वर्ग 17 में टेनेसाइन तथा वर्ग 18 में ओगानेसन को जगह दी गई है। इनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 113, 114, 115, 116, 117, 118 होते हैं। इसी प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हुए क्रम में यहाँ लिखा गया है। हमें पता है कि वर्ग संख्या 13 है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। इसलिए देखिए इलेक्ट्रॉन कितने किए हमने, 7s2 7p1। इसी प्रकार जैसे वर्ग संख्या 17 है, टेनेसाइन है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ देखिए 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 7s2 7p5, 5 +2 टोटल कितना हो गया, 7। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, जो सबसे ऊपर वाला तत्व है, वह आकार में सबसे छोटा होता है। उसके गुण अपने ही परिवार के अन्य सदस्यों के गुणों के साथ नहीं मिलते हैं। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि हमारे परिवार में, जो हमारे घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है वह शरारती होता है। उसकी आदतें परिवार के सदस्यों की आदतों के समान नहीं होती है। उसके क्या कारण होते हैं? सबसे पहला जो सबसे मुख्य कारण है, सबसे छोटा आकार। आकार छोटा है, हमारे घर में सबसे छोटा बच्चा है किसी का कहना नहीं मानता है। छोटे आकार के कारण इन तत्वों में क्या होगा, इनकी विद्युत ऋणता उच्च हो जाती है, इनकी आयनन एंथैल्पी का मान भी उच्च हो जाता है, इनमें डी कक्षक उपस्थित नहीं होते हैं। डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण ये अपनी सहसंयोजकता का मान नहीं बढ़ा पाते हैं, जबकि इनके वर्ग के अन्य सदस्य अपनी सहसंयोजकता का मान बढ़ा लेते हैं। इनमें सिर्फ पी पाई बंद बनाने की ही क्षमता होती है। डी कक्षक अनुपस्थित हैं, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का डी पाई पी पाई या डी पाई बंद नहीं बन पाता है। ये कुछ कारण हैं जो कि किसके लिए उत्तरदायी हैं, सबसे ऊपर वाले सदस्य के लिए, जो प्रथम सदस्य होता है उसके असामान्य व्यवहार के लिए। ये कारण सभी पी ब्लॉक के तत्वों पर, जो सबसे पहला तत्व है, उन पर समान रूप से लागू होते हैं। क्रियाशीलता। वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके EH3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, जबकि 16 वाले H2E टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं तथा 17 वाले HX प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। यह HX अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि वर्ग 15 के EH3 वाले हाइड्राइड हमारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये क्षारीय प्रकृति का क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा केंद्रीय परमाणु है उसके ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। यह आसानी से अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे देते हैं तथा लुईस क्षार की भांति कार्य करते हैं। इसी प्रकार देखिए वर्ग 15 है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके E2O3 व E2O5 प्रकार के क्या बना रहे हैं हमारे पास, ऑक्साइड बना रहे हैं। वर्ग 16 वाले क्या करते हैं, EO2 व EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। वर्ग 17 वाले बहुत सारे प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, इसलिए ये जगह हमने यहाँ खाली छोड़ दी है। इस खाली जगह की पूर्ति आप स्वयं करें, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के कौन कौन से ऑक्साइड बनते हैं उन सभी के रासायनिक सूत्र यहाँ लिखे। वर्ग 17 के जो ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। वर्ग 17 के जो ऑक्साइड हैं वो किस प्रकृति के होंगे हमारे पास में, अम्लीय प्रकृति के। इसी प्रकार से देखिए वर्ग 15 है, वर्ग 15 के तत्व हैलोजन से क्रिया करके EX3 व EX5 के हैलाइड बनाते हैं। वर्ग 16 वाले EX6, EX4 तथा EX2 टाइप के हैलाइड बनाते हैं।
तथा वर्ग 17 वाले हेलोजन हेलोजन से क्रिया करके अंतर हेलोजन यौगिक बनाते हैं जो कि अधिक क्रियाशील होते हैं हेलोजनों की अपेक्षा। अगर फ्लोरीन को छोड़ दें तो अन्य हेलोजनों की अपेक्षा अंतर हेलोजन यौगिक अधिक क्रियाशील होते हैं। यदि हमारे पास एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था उपस्थित हो, जैसे यहाँ पर +3 और +5 है, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। वर्ग संख्या 16 की बात करें तो +6 अवस्था में वे सहसंयोजक प्रकृति के अधिक होंगे, जबकि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में वे सामान्यतः आयनिक प्रकृति दर्शाते हैं। यदि हमारे पास में +4 ऑक्सीकरण अवस्था उपस्थित हो तो यह ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीकृत भी हो सकती है तथा अपचेत भी हो सकती है। यह निर्भर करता है कि हमारे पास किस प्रकार का माध्यम या किस प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हैं। अपर रूप, वर्ग संख्या 14 में कार्बन के हमने अपर रूप देखे थे। कार्बन के दो प्रकार के अपर रूप होते हैं जिन्हें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय कहते हैं। क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरीन। इसी प्रकार वर्ग संख्या 15 में फास्फोरस के हमें तीन प्रकार के अपर रूप प्राप्त होते हैं जिन्हें श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस तथा काला फास्फोरस कहते हैं। काला फास्फोरस दो प्रकार का होता है जिन्हें अल्फा व बीटा काला फास्फोरस कहा जाता है। इसी प्रकार वर्ग संख्या 16 में सल्फर के हमें दो अपर रूप मिलते हैं जिन्हें विषम लंबाक्ष सल्फर तथा एकांताक्ष सल्फर कहते हैं, जिन्हें क्रमशः अल्फा सल्फर व बीटा सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। सल्फर के हमारे पास S8 अणु होता है। उसकी शेप कैसी होती है? वो एक ताज की तरह होता है, एक क्राउन की तरह होता है, एक क्राउन शेप होती है। सल्फर का जो S6 अणु होता है उसकी शेप कैसी होती है? वह एक कुर्सी के आकार का होता है, एक चेयर फॉर्म का होता है। ऑक्सो एसिड्स ऐसे अम्ल जिनमें केंद्रीय परमाणु से OH समूह जुड़ा हो उन्हें ऑक्सो एसिड कहते हैं तथा वहाँ पर H+ आयन वो देते हैं। वह H+ आयन कहाँ से निकलेगा? उस OH से बाहर निकलेगा जो केंद्रीय परमाणु से जुड़ा होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा सल्फर बहुत सारे प्रकार के ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। इन ऑक्सो एसिड की संरचना हमें बनानी आनी चाहिए, जिसकी हमें एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है, बार बार संरचनाएँ बनानी है और उन्हें देखना है। ये दो अभिक्रियाएं ऐसी हैं हमारे पास में जहां ला शैथिल्य का नियम लगता है। पहले वाली अभिक्रिया की हम बात करते हैं। यहां अमोनिया बनाने का प्रक्रम है तथा हेबर विधि से हम यहां अमोनिया बना रहे हैं। ये अभिक्रिया हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अतः अधिक अमोनिया की प्राप्ति के लिए हमारे सामने क्या शर्त होनी चाहिए? ताप कम होना चाहिए। दूसरा, ये देखिए कि क्रियाकारक हमारे पास 4 मोल है तथा उत्पाद हमें 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात आयतन में कमी आ रही है। आयतन में कमी आ रही है तो दाब अधिक होना चाहिए। तो अधिक अमोनिया के लिए क्या शर्त हो गई? कम ताप तथा उच्च दाब, ये हमारी यहाँ शर्तें हो गई। ठीक इसी प्रकार की देखिए शर्त यहाँ इस अभिक्रिया पर भी लागू होती है। ये अभिक्रिया भी कैसी है हमारे पास में? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है। जब SO2 तथा O2 3 मोल क्रियाकारक मिलकर के 2 मोल क्या बना रहे हैं हमारे पास में? उत्पाद बना रहे हैं। आयतन में यहाँ पे भी कमी आ रही है, अतः दाब अधिक होना चाहिए। इन अभिक्रियाओं में यदि उत्प्रेरक भी उपस्थित होता है तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हमारी तीव्र गति से संपन्न हो जाती है। असमानुपातन रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक का ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही होता है उन्हें असमानुपातन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये कुछ अभिक्रियाएं असमानुपातन अभिक्रियाओं का एक अच्छा उदाहरण है, जहां पर समान अणु का ऑक्सीकरण व अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण अंक निकाल करके आप यह जान सकते हैं कि यहां पर किस तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन हुआ है तथा ये असमानुपातन अभिक्रियाएं हैं या नहीं भी। ये हमारे पास में कुछ क्रम है, जैसे क्षारीयता का क्रम, हमें पता है ग्रुप 15 के हमारे पास वर्ग संख्या 15 के हाइड्राइड है। अमोनिया सर्वाधिक क्षारीय होती है तथा अमोनिया ताप स्थायित्व इसका सबसे अधिक होता है, जबकि BiH3 की अपचयन सामर्थ्य सर्वाधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि BiH3 में BiH बंद लंबाई का मान बहुत अधिक होने के कारण यह आसानी से हाइड्रोजन त्याग कर देता है। यह हैलाइडों के स्थायित्व का क्रम है। इसी प्रकार आबंध वियोजन एंथैल्पी के आधार पर ये हेलोजनों का क्रम है।
अम्लीय सामर्थ्य के अनुसार हमें पता है कि HI सर्वाधिक प्रबल अम्ल होता है तथा HF दुर्बल अम्ल होता है। यदि स्थायित्व देखा जाए तो HF सर्वाधिक स्थायी होगा क्योंकि बंध लंबाई कम होने से उस बंध को तोड़ने में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हैलाइडों के जो आयनिक गुण होते हैं वह फ्लोराइड में सर्वाधिक आयनिक गुण उपस्थित होते हैं क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। पी ब्लॉक तत्वों के इस पाठ में हमने अलग अलग वर्गों के बारे में अध्ययन किया जो कि वर्ग संख्या 15 से 18 तक थे। वर्ग संख्या 13 व 14 का अध्ययन हम हमारी पूर्ववर्ती कक्षा 11 में कर चुके हैं। पी ब्लॉक तत्वों में रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत अधिक संख्या में हमारे पास उपस्थित हैं तथा यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास में रासायनिक व भौतिक गुणों के बारे में हमने चर्चा की। इन सभी को आसान बनाने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे कि सबसे मुख्य कारक है हमारे पास में आकार तथा वे गुण जो आकार के ऊपर निर्भर करते हैं किसी भी तत्व के, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सीधे सीधे आकार से संबंधित है। जैसे ही आकार में परिवर्तन होता है तो इन गुणों में भी परिवर्तन आता है जिसके फलस्वरूप तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम भी परिवर्तित हो जाते हैं। आकार में कमी या बढ़ोतरी होने पर इनके गुणों में अत्यधिक अंतर आ जाता है। दूसरा हमें ध्यान रखना है अक्रिय युग्म प्रभाव का। अक्रिय युग्म प्रभाव हम लोग जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो बढ़ता चला जाता है। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण से ही ऑक्सीकरण अवस्थाएं तत्व अपने वर्ग में अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था हो जाने पर उनकी प्रकृति सहसंयोजक या आयनिक हो सकती है, वह उसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि किन तत्वों में डी कक्षक अनुपस्थित है, क्योंकि डी कक्षक अनुपस्थित होने पर उनकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बंधित हो जाती हैं। जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन में डी कक्षक नहीं है इसलिए वह NCl5 नहीं बना पाता है, जबकि PCl5 आसानी से बन जाता है। ऑक्सीजन है वहाँ डी कक्षक उपस्थित नहीं है तो वह भी अपनी सहसंयोजकता के मान को बढ़ा नहीं पाता है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा, जो हमारे आवर्त सारणी में जो हमारा वर्ग है उस वर्ग में जो सबसे ऊपर में तत्व उपस्थित होते हैं वह आकार में सबसे छोटे होते हैं। वह सबसे छोटे हैं इसलिए सबसे नटखट है। उनका व्यवहार अपने परिवार के अन्य तत्वों की अपेक्षा अलग होता है, वह भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही हमें इन प्रक्रमों को या किसी अभिक्रिया को एक न्यूमोनिक्स बना करके एक ऐड कर लेना है वहाँ पर, जिससे कि हम आसानी से याद कर पाए। हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया था, जैसे एक न्यूमोनिक्स हमने बताया था कि गरीब है वो और गरीब हो रहा है और अमीर है वह और अमीर हो रहा है। इस प्रकार की विधियों से हम इस पाठ को थोड़ा और आसानी से अच्छे से याद कर सकते हैं तथा परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं रोकते हुए आपसे मुलाकात करते हैं फिर से किसी नए अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।